अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा ताहिर नदीम आज़रबैजान बाकू से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर मालूमाती वीडियोज बनाता रहता हूँ। आज एक बहुत ही मशहूर शख्सियत संदल खटक, पाकिस्तान की जो फर्स्ट जो लोग थे टिकटॉक पर मशहूर हुए उनमें इनका नाम भी है, तो आज मौका मिला इनके साथ कुछ बातें करने का। काफ़ी दिनों से ये बाकू में मौजूद है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कुछ संदल खटक के साथ कुछ इंटरव्यू जैसी कोई ऐसी सेटिंग रखें, इनसे कुछ पूछें इनके बारे में, क्योंकि संदल खटक ने बहुत कम ही टीवी पर इंटरव्यू दिए हैं। बहुत सारे ऐसे राज इनके सीने में दफन है जो अभी तक बाहर नहीं आ सके। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ ये कोई खुसूसी जो है ना वो नशिस्त हो और आपको वो बातें बताएं जो आमतौर पर ये नॉर्मल लाइफ में किसी से नहीं करती। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बाकू गोल्डन टूरिज्म में तशरीफ लाएं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी शोभा ये यूट्यूबर में थोड़ा सा छोटा सा टिकटॉकर भी हूँ, तो अक्सर मैं टिकटॉक देखता रहता हूँ आप सब दोस्तों को। तो सबसे पहले मैं आपके से जो सवाल है वो ये है कि टिकटॉकर बनने के बाद आपकी लाइफ में ऐसा क्या है कि जो पहले आपको अच्छा था, आपके लिए सहूलत थी और अभी नहीं है? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने ऑफिस में। और सेकंड आपके सवाल का जवाब ये है कि पहले हम लोग, मैं आराम से इजीली घर से बाहर चली जाती थी, घूमना फिरना खाना पीना इजीली। और मेन पॉइंट, पैसों की कदर नहीं थी इतनी, बस अम्मी ने दिया अबू ने दिया वो लगा के खा लिया। अब मैं खुद कमा रही हूँ और खुद लगा रही हूँ तो उसकी थोड़ी सी फिक्र होती है, और पहले फिक्र नहीं होती थी पैसों की कि पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। अब जो है बड़े आराम तरीके से लगाती हूँ। और दूसरा ये कि लोग नहीं छोड़ते, बहुत सी प्रॉब्लम होती है लोगों की वजह से, और अच्छा भी है ये फेम जो है। अच्छा ये है कि देखें जिस तरह आपने मुझे इन्वाइट कर लिया, अगर मेरा नाम ना होता तो आप मुझे नहीं जानते, इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे इन्वाइट किया, ये देखिए मेरे लिए बहुत बड़ा खुशकिस्मती है मेरी कि मैं यहाँ पर आई हूँ इनके ऑफिस में। नाम था तो इस वजह से इन्होंने बुलाया। बस यही दो तीन बातें हैं जो फेम के बाद हैं और फेम से पहले वाली। अच्छा, आप क्या टारगेट, आप क्या मिशन है आपका, क्या आप करना चाहती हैं जो अभी तक हिट नहीं हुआ, मजीद आप क्या चाहती हैं कि आप कोई ऐसा काम करना चाहती हैं, कोई आपका मिशन हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हिट ही है जो भी कर रही हूँ, और आगे के लिए मेरी प्लानिंग बस यही है कि आगे बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है, बस बढ़ते रहना है इज्जत के साथ शोहरत के साथ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि संदल खटक साहब से सवाल करने के, आप शादी कब कर रही हैं? शादी कभी भी नहीं करनी और ना करूंगी, और सबको यही बोलूंगी कि शादी कभी मत करना, शादी बर्बादी है। आपने की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। नहीं करनी चाहिए, मेरे दो बेटे और मैं अपने, जब माशाल्लाह मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस जिन्होंने नहीं की वो यही बोलते हैं कि अल्लाह करे हमारी शादी कभी ना हो, और मैं भी यही बोलूंगी कि शादी बर्बादी है, शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में जो टिकटॉकर है नए आने वाले मशहूर होना चाहते हैं, हाँ, जो हो चुके हैं, उनके लिए कुछ आप मशवरा देना चाहिए? उनके लिए ये कि बस शक्ल टेढ़ी कर लो आ जाओगे। यहाँ पर तो बस इसी चीज को देखा जाता है टिकटॉक पे, शक्ल टेढ़ी कर ली, उल्टी शलवार पहन ली, उल्टी पैंट पहन ली, उल्टा चलना शुरू कर दिया, ऐसे उसको चेक कर ले और अभी टेबल के ऊपर बैठ जाओ तो आप भी फेमस। अच्छा, एक आपसे सवाल है जाती आपका से है कि आपको कैसे शौक पैदा हुआ टिकटॉकर बनने का? मुझे शौक तो हर इंसान को हर चीज का होता है, और ये जब हम लोग पैदा होते हैं थोड़ा सा और संभालते तो हमारा शौक होता है कि हम लोग जब मूवीज देखते हैं ड्रामे देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं काश इस जगह मैं होता या मैं होती, तो बस उस टाइम से शौक ही होता है। और ये सबका है, ये आपके अंदर भी जज्बात ऐसे ही होंगे, तो ये जज्बात थे। और आहिस्ता मैंने वीडियो आई सोशल मीडिया पे, कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, घर से अलाउ नहीं होता, कुछ लोग आ जाते हैं सेपरेट छुप छुपा कर आ जाते हैं, कुछ लोग परमिशन लेकर आ जाते हैं, तो मैं उनमें से जो परमिशन लेकर आगे आई थी, तो फैमिली से पूछ पाछ के ही मैंने वीडियो बनाई और अपने शौक को आगे बहाल किया और आगे आगे बढ़ती गई। अच्छा, आप बाकू में मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर जहन के अंदर ये सवाल मौजूद है कि बाकू के हवाले से बताएं आप क्यों मौजूद है और यहाँ आप
रहना चाहती हैं या क्या टारगेट लेके आई या जस्ट घूमने के लिए आई हैं? जी मैं बाकू में घूमने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं बाकू में आई हूँ, मैं तुर्की में भी रह चुकी हूँ, तुर्की में और बाकू में बहुत फर्क है। लोग सेम ही, जुबान भी सेम ही है, लेकिन तुर्की और बाकू में फर्क ये है कि तुर्की के लोग बहुत बदतमीज किस्म के हैं, अच्छे लहजे में बात नहीं करते पाकिस्तानियों के साथ या पता नहीं सबके साथ, लेकिन जो मैंने देखे वो पाकिस्तानियों का उनका रवैया अच्छा नहीं है। लेकिन बाकू में उल्टा है, इतना अच्छा रवैया है, यहाँ तक कि हमारे जो पाकिस्तानी है वो यहाँ पर आके बदतमीज हो गई है, और जो अज़रबैजान के लोग हैं वो इतने अच्छे और इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छा लहजा है। तो देखते हम, और तुर्की जगह बहुत खूबसूरत है और बाकू भी सेकंड नंबर पे बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती वहां पर देखी जाती है जहाँ पे लोग खूबसूरत हों। तो यहाँ के लोग खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग दिल से अच्छे हैं, तो मुझे जगह बहुत पसंद आई और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आके बिजनेस का प्लान कर रही, बिजनेस करूंगी इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुशी तौर पर ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अज़रबैजान के लोग पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और पाकिस्तान को ये अपना दूसरा मुल्क मानते हैं, और पाकिस्तान ने भी हमेशा इनकी इज्जत की है और इनका साथ दिया है जहाँ तक हो सका, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर इनका साथ दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में पाकिस्तानी जो यहाँ आ रहे हैं कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे हमारी इज्जत जो है ना वो यहाँ पर बढ़े अज़रबैजान में, ना कि कम हो। बिल्कुल, हर आदमी जो यहाँ पर मौजूद होता है बैरून मुल्क से, मैं वो एक आदमी पूरी कौम का सफ़ीर होता है। आपका अखलाक, आपकी आदात, आपके वादे और आपको देख कर ही एक कौम का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कौम कैसी है। इसलिए प्लीज़ अपनी और अपनी कौम की इज्जत के लिए कोई भी यहाँ पर गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम ना करें कि जिससे आपकी और आपके मुल्क की बेइज्जती हो। सो गाइस इजाज़त दीजिएगा हमें, और जाते जाते एक बात बोलूंगी, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।